हत्या घटना सबुठारु मुख्य चर्चित विषय पलटिछि। ए क्रम रे गजपति काशीनगर रु निखोज 7 वर्षीय हार्दिक को पुलिस किंतु उद्धार करछि, जहां पुलिस पय गोटे बड़ सफलता। कोइठ पदर बापांकर नूतन निर्माण गृह रु उद्धार करा जाइछि हार्दिक को। पुलिस पिलाट को उद्धार करी तार स्वास्थ्य परीक्षा करी। पूर्व पुलिस 4 जनिया टीम गठन करी तदंत चलाइथिला। वर्तमान ताकु उद्धार करा जाय पारिछि। बुधवार संध्यारे झामी गोपींकर पुओ झामी हार्दिक निज घर ठारु 50 मीटर दूर रे सांगमानक सहित खेलुथुबा अवस्था रे निखोज हो जायथिला। सेपडे ढेंकानाळ निहल प्रसाद शिशु हत्या मामला रे पुलिस मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त भी करिछि। मृत शिशु कालियार पड़ोसी भारती साहू को गिरफ्त करिछि पुलिस। गतकाली कालियार मृतदेह कुहर उद्धार हेबा परे भारती शिशुटी को श्वासरुद्ध करिबा परे कुहरे फोपाड़ी देथवा पुलिस आगे निजे स्वीकार भी करिछि। कथा पुलिस तरफ सूचना भी दिया जायछि। अनपटे गंजाम जिला पात्रपुर एवं दिगपहंडी अंचल समान ढंगे 5 जन मेधावी छात्र निखोज हेबार 10 वर्ष पुरलाणी, मात्र काणी जाए मध्य संधान पाउनी पुलिस। जिले में भली अपहरण मामलार फाइल अनेक गड़ुवा बेले मात्र 40% शिशु को उद्धार करिवारे पुलिस सफल हो। अधिक आलोचना करवा मो सहित राधाश्याम आचार्य आम ब्रह्मपुर प्रतिनिधि मो सहित जोड़ी होती। राधाश्याम जदि आम देखा समस्त नजर एवं राज्य में शिशु निखोज और सीरीयस शिशु निखोज जनक पर जड़े निखोज होती निखोज जो मैंने होते जो विरुद्ध में जो आसी मामला गुड़िक आसला जे शिशु निखोज होती हत्या कर गोटिक पर गोटे फर्द खोलुँ। हार्दिक जो कथा सामना को आसूँ पिलाटी को वर्तमान उद्धार करपा नूतन निर्माण घर भितर से रही जाता है। पूरा कहानी जानापी चाहिए एत दिन धरी से रही कमी कहीं रही किए नहीं जाता निजे से चली जाता ये पूरा मामला कौन देखो सुनंदन जदि कह शिशु निखोज घटना सारा राज्य में गोटे प्रकार हट्टचमट सृष्टि करुच्छी कहे अत्युक्त हमें किंतु ये एवकर घटना नुहे। पूर्व घटना को जदि अनुध्यान करा जाए ताहले अनेक परिमाण शिशु एवं भी निखोज रही कार भी पता मिलूनी। गोटेपटे जो भाई परीर इश्यू उठिला या आधार कर कौटना कौल पुलिस टी तत्परता देखाई जो घटना जदि देखा जाए गजपति जिलार काशीनगर अंचल काशीनगर अंचल जी 7 वर्षर शिशु जनक 48 घंटा पर उद्धार होती विभिन्न जगार गोटे प्रकार चित्र अन्य प्रकार दृश्यपट देखा मिलूला। यही शिशु कथा जदि अनुधान कराए तो जहाँ शिशुर बयान मिलूँ प्राथमिक सूचना जहाँ मिलूँ जे शिशुटी को 2-3 जन युवक नहीं जाते जो गाँव ठार निकट पाख जो कईट पट रही से गाँव एक घर भितर बंदी करके रखिदे सेठे पुलिस जाकि पहुँची उद्धार कर खोद दक्षिणांचल डीआईजी घटनास्थल को जापारिश्वी को अनुधान करेतु शिशुटी को एवं उद्धार कर संपूर्ण भाव स्पष्ट हो पार नहीं कि स्थित किए नहीं कौन उद्देश्य नहीं मंद उद्देश्य रही कि नहीं तमाम दिग्गर गोटे प्रकार खोलताड़ कर शिशु को प्रथम सीडब्ल्यूसी हाजर कर चाइल्ड लाइन नहीं कि पचराउचरा करते पचराउचरा कर प्रकृत रहस्य पर्दा उठ गोटे कथ कही रखे सुनंदन ये खाली गजपति जिला कथ नुहे से नयगढ़ कथ कहतु ढेकानाल कथ कहतु विभिन्न जगह जो भाई चित्र आसूँ गंजाम जिलार चित्र कि कम नुहे। गंजाम जिलार स्थित को मुझे अनुधान को नेबे ताले विगत 5 वर्ष मध्य ब्रह्मपुर पुलिस जिले में 278 मामला रुजु निखोज घटना कथा जो छोट शिशु कथा 18 वर्ष रु कम रोचा भितर झील संख्या रोचान 208 पुह संख्या रोचे 60 एम जो उधार होती 124 जन झील उधार होती 35 जन पुह उधार होती बर्तमान सुधा जदि नजर को निजाए तो 94 झीलों पता एवं सुधा मिलनी 5 वर्ष भितर 25 जन पुओं टेयर पाइपनी पुलिस तो मोटामोटी आज आम ग्राउंड जीरो जाइए पात्रपुर चिकटी ब्लक अंचल बुल्क देखी जे रोचे पर मेधावी छात्र मैंने अचानक गोटे प्रकार वर्ष वर्ष धरी निजर पिला संधान पाई से पुलिस प्रशासन ह्यूमन राइट्स कथा कहतु क्राइम ब्रांच कथा कहतु राज्य सरकार पर्यटन पहुंची किंतु कौन भी सामान टेर पाउनी तो मोटामोटी कह गले जो मन भितर सन्देह उपजुची जे बास्तव में जो मैंने निखोज होती तो उद्धार कर जो मान पता मिलूनी या पचर अपहरण हो अपहरण पक्ष किसी राकेट कम करूँ कि कौटी अंग बिक्री कथ गोटे प्रकार उठू कौटी पिला बाहर बिक्री करदेवा कथ उठू ए तमाम प्रसंग उठू तो मोटामोटी आम कहीपर जो पिलाटी निखोज होार जदि 24-48 घंटा भितर जब ठाब कर से पिलाटी सुरक्षित भाव उद्धार हे जदि उधार करें पिला को उधार करवाटा कौटना कौटी नेगेटिव कथ आसपर पिला गोटे प्रकार पुलिस हस्तगत को आसवा गोटे प्रकार कष्टसाध्य हो पड़ो तो मोटामोटी कह गए जो प्रसंग उठी सारा राज्य मोटामोटी पिला गायब होती निखोज होती जहाँ सूचना देखिए
ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରିକଭର କରିପାରୁଛି ବା ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରୁଛି ତା ହାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏହା ହାର ସେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏବେ ବି ଆହୁରି କଡ଼ା ମେହନତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିଲା ଗାୟବ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁ, ଇଏ କାରଣ ଖୋଜିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଗାୟବ ହେଉଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି କି, ଯଦି କରୁଛି ସେମାନେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ରାଡାର ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସଫଳତା ହାର, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବାର ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାର ରହିଛି ସିଏ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ, ସେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଯେମିତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଇଏ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ରହିଛି ଖୋଜି ପାଇବାର ବା ରିକଭରି ରେଟ୍ ଯେତିକି ରହିଛି ତାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନୁହେଁ। ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ସୂଚନା।